से सभी को अभिभावक और बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ। आज हमारा देश नहीं पूरा विश्व में जो महामारी से ग्रसित हैं, लोग परेशान हैं, लॉकडाउन चल रहा है। आज हमारे देश में चौवनवा दिन है जो 54 डेज हो गया हम लोग लॉकडाउन में हैं। इसके बावजूद भी जमुनाराम मेमोरियल स्कूल हमेशा सदैव गंभीरता के साथ बच्चों की पढ़ाई प्रति सोचता है। मैनेजमेंट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इस सारे व्यवस्था का देखभाल करते हुए सभी स्टाफ को मैनेज करते हुए ऑनलाइन की व्यवस्था कर दिया गया। उन बच्चों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने पूरी लगन के साथ ऑनलाइन पढ़ाई में जुड़े हुए हैं। और कई ऐसे बच्चे हैं जो इस पर रुचि नहीं रखते, ये गलती उनकी नहीं, ये अभिभावक का है, पेरेंट्स की। मेरा विनम्र निवेदन है पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों को गुरुओं का सम्मान करना सिखाएं। बच्चे हमेशा गुरु से ही सीख के आगे बढ़ते हैं। टीचर कभी भी बच्चों को ऐसी राह सिखाता नहीं है जो उनके लिए नुकसानदायक है, उनके फ्यूचर के लिए, उनके जीवन के लिए हो। कई ऐसे अभिभावक हैं जो इस ऑनलाइन शिक्षा में रुचि नहीं लेते, ना बच्चों को लेने देते हैं। मैंने देखा हूँ ऑनलाइन में जो बच्चे जुड़े हुए थे उनके पेरेंट्स के कहने पे लोग लेफ्ट कर गए। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं देश ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। उसी को ध्यान में रखते हुए जमुनाराम मेमोरियल स्कूल आप लोग के लिए प्लेटफॉर्म दिया है। इस तरह टाइम इज फ्री बट इट्स प्राइसलेस। टाइम फ्री है, प्राइसलेस है, लेकिन आप इसको अपना नहीं सकते। ओनली यू कैन यूज इट, यू कैन कीप इट, यू कैन नॉट कीप इट। आप उसे रख भी नहीं सकते बट यू कैन स्पेंड इट। वंस यू हैव लॉस्ट यू कैन नेवर गेट इट बैक। समय फ्री है, प्राइसलेस, उसका कोई कीमत नहीं है, लेकिन आप उसको अपना नहीं सकते। बस आप यूज करना है, आपको समय का यूज करना चाहिए। लॉकडाउन का समय आज जो हम 54 डेज में पहुंच चुके हैं, जो भी पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है, टीचर परिश्रम कर रहे हैं आप लोग सिखाने के लिए। कई पेरेंट्स का इस तरह के भी सुनने को मिला, ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चे क्या सीख सकते हैं। आप इसका गंभीरता को समझना है, किसी को इस तरह का शौक और इस तरह खुशी नहीं है। टीचर भी लॉकडाउन में हैं, इसके बावजूद टीचर हमेशा प्रयास किया कि बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। और ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो पूरा पूरा सहयोग किए, मोबाइल दे करके बच्चों को उत्साहित किए। इन परिस्थिति में बच्चे जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, ये कब तक जारी रहेगा हम भी नहीं जानते। जमुनाराम मेमोरियल स्कूल लगातार किसी दिन भी एब्सेंट ना करते हुए डिक्लेयर, जब से हुआ हमारा रिजल्ट स्कूल का, तब से लेकर के 1 अप्रैल से ऑनलाइन की पढ़ाई जारी रखा हुआ है। और हमारा जो हर साल जिस तरह समर वेकेशन होता है, 20 मई से समर वेकेशन होगा। समर वेकेशन में भी जमुनाराम के मैनेजमेंट ने इस फैसला लिया है, सभी टीचर सभी स्टाफ
अपने स्कूल के बच्चे से जुड़े रहेंगे, सही बच्चों का गृह कार्य जो मिला है, उनके डाउट्स, उनका जो भी विषय आता है उसे सॉल्व करेंगे, उनके संपर्क में रहेंगे। मैं उन टीचरों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने पूरा समय निकालते हुए बच्चों के लिए सोचते हैं। उन अभिभावकों से निवेदन है जो इस विषय को गंभीरता को समझ में नहीं पाते, टीचर हर प्रकार के गतिविधि से गुजरते हुए भी होमवर्क गया या नहीं गया, बच्चे ने किया नहीं किया, इस पर चिंतित रहता है। कई ऐसे बच्चे हैं होमवर्क संपर्क नहीं करते हैं, उन्हें फोन कॉल करके कहा जाता है। हम लोगों ने हर परिस्थिति से गुजरना, हर परिस्थिति से उभरना सीखना भी अति आवश्यकता है। और इस महामारी के दौर पे मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहता हूँ, अपने आदतों में, अपने हैबिट्स में बदलना और उसको परिवर्तन में लाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी आप जाते हैं सोशल डिस्टेंस जरूर रखें, किसी के करीब पहले आप जाते थे, अब आदत बदल दीजिए। पहले हाथ मिलाया करते थे, उस आदत को बदल डालिए। साबुन से हाथ धोना कम से कम 20 सेकंड तक रगड़ते हुए धोना है, ये आदत में हमेशा रखिए। बाहर जब जाते हैं मास्क का प्रयोग करिए। कहीं भी ऐसे सार्वजनिक स्थानों में कहीं भी जगह मिला या थूकने का प्रयास ना करिए। इस तरह कई आदतें हैं, उसे हमें बदलने की जरूरत है, तभी हम इस महामारी से बच के रह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द टाइम टू शो आवर सेल्फ दैट वी आर वेरी केयरफुल एंड ओबीडियंट टूवर्ड्स आवर गुरुज, towards our duty, towards our parents। हमें घर पर रहते समय भी इन चीज़ों को माँ बाप को, पेरेंट्स को महसूस करवाना है। हम जिम्मेदार हैं घर के, पेरेंट्स की बातों को मानना, आज्ञाओं को मानना बहुत ज़रूरी है। और जिन बच्चों ने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, आपके दोस्तों मित्रों से भी कहना कि ग्रुप ज्वाइन कर लें, इस शिक्षा के माध्यम से कुछ सीखने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग वीडियो बनाना बहुत आसान इस तरह सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। टीचर बहुत प्रयास करता है समय निकाल करके वो इस तरह का बनाता है ताकि बहुत अच्छे सबसे बेस्ट बन सके। मैं इन सारे शब्दों के साथ और इस उम्मीद के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ कि बहुत जल्द हम यही दुआ करें कि बहुत जल्द सामान्य दिन वापस लौटे, ताकि हम फिर से अपना जो ट्रेडिशनल पढ़ाई की व्यवस्था है उसमें हम प्रवेश करें। जब तक वो ना आए, वो दिन ना आए, तब तक हम लोग ऑनलाइन में रहते हुए भी अपना समय वेस्ट ना करें और पढ़ाई को गंभीरता को समझते हुए हम पढ़ाई को जारी रखें। सभी बच्चों से यही मेरा उम्मीद है। धन्यवाद।